क्या हुआ जब अपने भक्त को जहरीले सांप के जहर से बचाने स्वयं आए शिरडी के साईं, फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको साईं बाबा की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भक्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले माधव जी की, जिन्होंने हमारे साथ साईं बाबा की ये सच्ची घटना शेयर की है। माधव जी बताते हैं कि वह छोटे से गांव के रहने वाले हैं और पेशे से एक किसान हैं। साईं बाबा के प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था है। हर दिन सुबह स्नान आदि कर वह साईं बाबा के आरती में लीन हो जाते हैं। यह बात 15 अक्टूबर 2020 की है, जब दशहरे का दिन था और साईं बाबा की पुण्यतिथि थी। वह अपने परिवार के साथ वह साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ के सभी खड़े लोगों को कुछ पल के लिए सदमे में डाल दिया। दोस्तों गाँव के लोग यह सब घटना देख कर डर गए थे। वे सभी लोग चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई, उनके चमत्कार ने पल भर में ही इस मुसीबत को बिल्कुल से ठीक कर दिया। हुआ यूं कि उस दिन जब मैं साईं बाबा के मंदिर अपने परिवार के साथ गया था, तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। सांप बहुत बड़ा खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखकर गांव के सभी लोग डर गए थे। गांव का कोई भी व्यक्ति इतना हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उस बड़े से सांप को वह भगा पाए। शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे और साईं बाबा की पूजा की तैयारी चल रही थी, मगर उस सांप के कारण कोई भी व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। समय बीतता जा रहा था पर वह सांप मंदिर से बाहर नहीं निकल रहा था। फिर समय हो गया तकरीबन 8, लेकिन पूजा की तैयारी शुरू नहीं हुई। ये पहली बार ही हुआ था कि हम सभी लोग पूजा की तैयारी नहीं किए थे। दोस्तों अभी सभी लोग साईं बाबा को मन ही मन याद करने लगे कि हे साईं प्रभु, आप हमारी मदद करिए, क्योंकि इस त्योहार को हम और कहीं नहीं मना सकते। तभी वहां पर दोस्तों कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों तभी वहां पर एक सफेरे का झुंड बगल से ही निकलता है, जिसे देखकर वहां के भक्तगण उन सभी को मंदिर की ओर बुलाते हैं। वह मंदिर के अंदर गए और वह बीन बजाकर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। यह सभी दृश्य वहां के लोग देखकर हैरान हो गए कि अचानक से सफेरे का एक झुंड मंदिर की ओर आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब भक्तगण पंडित जी से इसके बारे में पूछने लगे तो पंडित जी ने बताया कि मैं जब सहायता के लिए बाहर निकला तो मेरी नजर इन सफेरे लोगों के ऊपर पड़ी, जबकि इससे पहले मैंने किसी भी सफेरे को यहां से जाते हुए नहीं देखा था। दो पल के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि स्वयं शिरडी के साईं सफेरे के रूप में आकर यहाँ सांप को बाहर निकाल फेंके। भक्तों आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पर सफेरा स्वयं शिरडी के साईं की आस्था की लाज रखने के लिए दौड़े चले आए, या ये सिर्फ एक साधारण सी घटना है? जो भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए जय साईनाथ।